हे hey दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और इससे पहले हमने OSI मॉडल के बारे में बात की थी और बेसिक बताया था। अब उसी के आगे का हम उसके आगे की ही बात कर रहे हैं कि उसमें कितनी लेयर होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल होते हैं और कौन सी डिवाइसेस आती हैं किस लेयर में, ये बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। OSI मॉडल के बारे में बता चुके हैं हम क्या होता है। ठीक है, इसकी पहली लेयर की बात करेंगे। ठीक है, हाँ एक बात और, इसमें मैंने 7 लेयर आपको बताई थी। ठीक है, और इसमें मैंने ये बताया था और इसका शॉर्टकट जो था 7 लेयर का वो ये था कि आप ST नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आप A से एप्लीकेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर, ST S से सीजन लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं N से नेटवर्क लेयर, D से डाटा लिंक लेयर और P पाएंगे, मतलब फिजिकल लेयर। ठीक है, तो फिजिकल लेयर मतलब कि लास्ट की जो लेयर होती है उसको पहली लेयर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है वाला। ठीक है, तो फिजिकल लेयर में मैंने बताया था लास्ट वाले में, जरा वो फिगर याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसमें लास्ट में बिट आया था, मतलब कि डाटा किस रूप में आता है, बिट। और उसी के ऊपर अगर हम बात करें या फिर हम एकदम ऊपर से बात करें तो ऊपर की 3 लेयर डाटा के ही रूप में आता है, उसके बाद आपका सेगमेंट के रूप में होता है, उसके बाद पैकेट के रूप में रहता है, उसके बाद फ्रेम के रूप में रहता है और लास्ट में बिट के रूप में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिट की बात कर रहा है, डाटा बिट के रूप में रहता है। और फिजिकल लेयर में जो होता है वो प्रोटोकॉल कौन से आते हैं, इथरनेट रहता है, FTDI आता है, USB आता है, ब्लूटूथ होता है, टोपोलॉजी होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल कौन से प्रोटोकॉल का क्या काम है। इथरनेट आपने सुना होगा, इथरनेट जो होता है जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो लगता है, जो केबल होता है और जिस केबल के थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, उसमें जिस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है वो इथरनेट होता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में इथरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, सीधी सिंपल सी परिभाषा यही है। FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है, FDDI का फुल फॉर्म जो होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ठीक है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डाटा इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप। USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। और जो पेन ड्राइव होती है वो आपकी USB होती है। ठीक है, USB पोर्ट पे लगती है, तो USB किसे कहते हैं, जो पीछे पोर्ट लगा होता है चौड़े पिन वाला, वो USB पोर्ट होता है जिसमें पेन ड्राइव जैसी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, ब्लूटूथ आपको पता ही होगा, ये छोटा सा नेटवर्क होता है जिसमें 2 मोबाइलों को कनेक्ट किया जा सकता है या 2 कंप्यूटर या लैपटॉप को भी कनेक्ट किया जा सकता है। टोपोलॉजी भी क्या होती है, हमने आपको बता दिया है कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, वो तारों के माध्यम से या बिना तारों के जोड़ना ही टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो ये फिजिकल लेयर की प्रोटोकॉल की बात हो गई। अब इसमें डिवाइसेज आती हैं कि नहीं आती हैं, आती हैं इसमें डिवाइस, इसमें कौन कौन सी डिवाइस आती हैं, हब आता है, रिपीटर आता है, मॉडम आता है। इसमें याद करने के पर्पज से भी यही याद कर लीजिए, क्योंकि इस डिवाइस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इन डिवाइस के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें डिटेल में इनके बारे में बताया जाएगा, फिर भी हम जल्दी जल्दी इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। हब जो होता है यह है नेटवर्किंग में यूज़ होता है, मतलब कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को ये बीच में होता है, बाकी अलग बाकी आसपास के जैसे कि स्टार टोपोलॉजी में हब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब कई कंप्यूटर इस हब की डिवाइस के जरिए जोड़े जा सकते हैं। रिपीटर का भी यही काम होता है, और मॉडम तो आपको पता ही होगा, टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन लेना ही मॉडम कहलाता है। ठीक है, तो ये फिजिकल लेयर की बात हो गई। हब देखिए, यहाँ पे एक हब बना हुआ है, बाकी सारे कंप्यूटर इससे कनेक्ट हैं, तो ये हब हो गया। रिपीटर इस तरह का होता है, इसका क्या काम होता है, ये भी इसी हब की तरह काम करता है, कई कंप्यूटरों को जोड़ने का। और मॉडम ऐसे दिखाई देता है जो हम बात कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, अब दूसरी लेयर जो होती है डाटा लिंक लेयर आती है। ठीक है, इसमें डाटा किस रूप में होता है, इसमें डाटा जो है फ्रेम के रूप में होता है। वो फिगर एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा या फिर इसको पाउस करके कहीं इसके नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। ठीक है, तो डाटा फ्रेम के रूप में होता है, और इसमें डाटा जो है 2 तरह के एड्रेस होते हैं, MAC होता है और LLC होता है, मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है और लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है। डाटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेस काम करता है। ठीक है, यहाँ पे वाई कर लीजिएगा आप, गलत हो गया है थोड़ा। और इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि MAC और LLC का फुल फॉर्म क्या है।
और अब देखिए मैकेरियन जान देखिए, यह फिजिकल एड्रेस पर काम करता है और यह NIC पे एक्सेस किया जाता है। इथरनेट कार्ड और लैन कार्ड, देखा मैंने कहा था इथरनेट और लैन कार्ड जो है वो में जो काम करते हैं एड्रेस, वो मैक एड्रेस काम करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैक एड्रेस का कितने बिट का होता है, तो आप बता सकते हैं 48 बिट का होता है। किस में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, ठीक है। और LLC क्या होता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल, LLC की बात की जा रही थी यहाँ पर, ठीक है। यह एरर हैंडलिंग का काम करता है, ठीक है। जो एरर होती हैं डाटा भेजने में उनको हैंडल करता है ये LLC, ओके। और डाटा लिंक लेयर में प्रोटोकॉल कौन सी आती हैं? डाटा लिंक लेयर में प्रोटोकॉल तीन तरह के आते हैं, PPP, AATM, फ्रेम रिले, ठीक है। PPT क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इससे पहले कि मैंने टॉपिक मैंने आपको बताया है, जिसमें टोपोलॉजी में बता चुके हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल होता है जिसमें बीच में कोई थर्ड मेंबर नहीं होता है। मींस अगर आप एक फ़ोन से किसी दूसरे पर्सन को आप फ़ोन पे बात करते हैं, तो उस फ़ोन पे बात करते वक्त बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं होता है, तो उस तरह के प्रोटोकॉल को हम PPP प्रोटोकॉल कहते हैं, मींस पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। ATM क्या होता है? अब ध्यान रखिएगा, ATM ऑफ फोन बहुत जगहों पर पूछा जाता है, क्योंकि जो ATM हमारी मशीन चलती है उसका ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं उसको, बट जो कंप्यूटर में ATM यूज़ किया जाता है उसे एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड कहते हैं, ठीक है। और तीसरी प्रोटोकॉल जो आती है वो फ्रेम रिले आती है। फ्रेम रिले का क्या काम होता है? फ्रेम रिले का काम जो होता है पॉकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन पर काम करता है, ठीक है। इसकी डिटेल में मैं वीडियो अब आगे चल के बनाऊँगा, इसके अभी तो ये शॉर्ट में बना रहा हूँ, फिर इसके प्रोटोकॉल की एक अलग वीडियो रहेगी और बाकी डिवाइस की इसके जस्ट बाद ही वीडियो रहेगी, ठीक है। तो अभी इसके फुल फॉर्म ही याद कर लीजिएगा, और जो बेसिक डिटेल में बता रहा हूँ कि ये किस चीज़ में वर्क करता है वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। और डिवाइस में कौन सी आती है? स्विच आती है, ये स्विच होता है, जो हब का काम होता है वही स्विच का होता है, बट इसमें अंतर ये होता है कि हब जो है वो सिक्योर नहीं रहता है, बल्कि स्विच जो है वो सिक्योर रहता है, बस यही अंतर है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज ये होता है नया दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को किसी जिस डिवाइस से जोड़ा जाता है वो ब्रिज कहलाती है, ठीक है। सीधा सिंपल सा है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर की बात हो गई, नेक्स्ट लेयर हो गई नेटवर्किंग लेयर। नेटवर्किंग लेयर में डाटा किस रूप में होता है? पैकेट्स के रूप में रहता है, ठीक है। इसमें किस तरह के प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? दो तरह के, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 जो है 32 बिट का होता है और IPv6 जो है 128 बिट का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैक एड्रेस जो है 48 बिट का होता है, उसी तरह IPv4 और IPv6 के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें डिवाइस कौन सी काम करती है? इसमें डिवाइस जो है राउटर काम करती है। जैसे एक राउटर जो होता है वो कई कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वो बताया गया है, और दो स्विच को भी कनेक्ट कर सकता है, ओके। तो यहाँ नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल डिवाइस की बात हो गई, और यहाँ पे जो 32 बिट का ये IPv4 होता है ये डेसिबल में होता है, और जो IPv6 है ये एक्स्ट्रा डेसिबल में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट लेयर जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। इसमें डाटा सेगमेंट के रूप में रहता है और ये एंड टू एंड काम करता है, ठीक है, बस सेगमेंट में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटोकॉल इसमें दो तरह की होती है, TCP और UDP। इनका फुल फॉर्म क्या है? TCP का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP का यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP में यह कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसमें कनेक्शन होता है TCP में, और जबकि इसमें कनेक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, और इसका फुल फॉर्म ज़रूर पूछा जाता है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP का यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है सीजन लेयर, जिसमें डाटा डाटा के रूप में रहता है, हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। और प्रोटोकॉल इसमें यह है NFS होता है, RPC और SQL। इसके फुल फॉर्म आते हैं, NPS का फुल फॉर्म हमको नहीं मिल पाया, इसलिए हम नहीं लिख पाए, बाकी इन दोनों का होता है। RPC का रिमूव प्रोसेस सेल होता है, और SQL का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। और छठी लेयर जो होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, आपकी सिंटेक्स लेयर जिसे बोलते हैं। ये पूछा जाता है कि प्रेजेंटेशन लेयर को
सिंटेक्स लेयर कहते हैं कि नहीं कहते हैं ये पूछा जाता है, ठीक है। इसमें भी डाटा डाटा के रूप में रहता है और इसमें इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन का काम करता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का काम करता है मीन्स, ठीक है। और इसमें प्रोटोकॉल जो है ये ASCII, EBCDIC, MIDI, JPG और MPG यूज होते हैं। इनके फुल फॉर्म ध्यान से रटिएगा आप लोग, क्योंकि इनके फुल फॉर्म कन्फर्म पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके फुल फॉर्म। प्रेजेंटेशन के लेयर के प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है ASCII का, यह सी लैंग्वेज में यूज़ की जाती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फो इंटरचेंज, ठीक है। MIDI, JPEG, MPG सबके याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर, यह डाटा को डाटा के रूप में रहता है और ईमेल ट्रांसफर डाटा ट्रांसफर का काम करता है। वह सारे सॉफ्टवेयर इस लेयर पर काम करते हैं, मैंने कहा नहीं आपसे कि डाटा भेजने का काम करता है, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, प्लीज को रिपीट कीजिएगा, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, नेटवर्क लेयर का आधे से ज़्यादा पेपर सिर्फ OSI मॉडल पे होता है, मींस सिर्फ सात लेयर, इन सात लेयर पे डिपेंड करता है। तो इन सात लेयर को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया और ये देख लिया कि इन सात लेयर में कौन से प्रोटोकॉल आती हैं, कौन से डिवाइस आते हैं, तो समझ लीजिए आपका आधे से ज़्यादा मतलब पासिंग मार्क्स का पूरा टॉपिक सिर्फ OSI मॉडल से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। एप्लीकेशन लेयर में ये इतने प्रोटोकॉल यूज होते हैं, DNS हो गया, DHCP हो गया, HTTPS, FTP, Telnet, SMTP और APIPA, ठीक है। DNS का क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करता है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम का क्या काम होता है, डोमेन नेम सिस्टम का काम होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में, डोमेन नेम क्या होता है, जैसे .gov लगी गवर्नमेंट हो गया, .nic नेशनल वाला हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को वह आईपी एड्रेस में चेंज करता है और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में, यही काम होता है DNS का। DHCP का क्या काम होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करता है, वाईफाई जोन में आईपी प्रोवाइड करने का काम करता है, मतलब वाईफाई कहीं जोन है तो वहाँ पे आईपी प्रोवाइड करने का काम इसी का होता है। मींस जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो आपका नेट चलाना होता है, तो जो आईपी प्रोवाइड होती है वो वाईफाई में जब आप लॉगिन करते हो उस वाईफाई के कनेक्ट करके तभी आपको आईपी प्रोवाइड होती है, ठीक है। बाकी TRW का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तीसरा फुल फॉर्म जो होता है प्रोटोकॉल HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यह प्रोटोकॉल TRW के पहले लगाया जाता है, इसको TRW का बैकबोन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HTTPS जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जिसमें S नहीं लगा है वो सिक्योर नहीं रहता है, इसलिए बाद में और सिक्योर करने के लिए इसमें S लगा दिया गया, ठीक है। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहाँ भी आप कोई भी चीज़ अपलोड या डाउनलोड की जाती है वहाँ पे जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो प्रोटोकॉल होता है FTP प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलनेट क्या करता है, टेलनेट जो है रिमोट एक्सेस करने का काम करता है, मींस टेलनेट वो प्रक्रिया होती है जिसमें आप दूर बैठे किसी और कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एक सिटी में बैठे हैं और दूसरी सिटी के कंप्यूटर को हैंडल कर रहे हैं टेलनेट के सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, तो वो टेलनेट प्रोटोकॉल के जरिए होता है। SMTP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसके फुल फॉर्म से पता चल रहा है जो ईमेल आईडीज होती हैं उसमें जो ट्रांसफ़र करने का काम होता है वो किस प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है, SMTP प्रोटोकॉल के माध्यम से। और APIPA का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोवाइड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑटोमेटिक IP प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, ये काम होते हैं एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल के। ये DNS की बात हो गई, डोमेन नेम सिस्टम DHCP, डायनेमिक होस्ट डोमेन सिस्टम क्या करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है। ये DHCP क्या करता है, वाईफाई जोन में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। HTTP क्या करता है, सिक्योर रहता है। FTP क्या करता है, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग में इसी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। टेलनेट किसी दूर कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। SMTP क्या करता है, ईमेल आईडी पर जो फाइलें ट्रांसफ़र की जाती हैं वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू। APIPA क्या होता है, वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो एक ये फिगर की दिखाया गया है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा और
और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, जो चीज़ मैंने बताई है पीछे वही सही चीज़ बताई गई है। देखिए OSI मॉडल हो गया, TCP/IP मॉडल हो गया, ठीक है, कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेज आती हैं, यही बताया गया है आपको, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा आपको समझाएंगे नहीं, ये आप इस फिगर को देख के समझ जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और जिनके लिए ओ लेवल के एग्ज़ाम हैं, ठीक है। और अगर अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस पे होगा, जो मैंने बात नहीं की कि किस लेयर में कौन सी डिवाइस काम करती है, और जो लास्ट के सिर्फ तीन लेयर या फिर शुरुआत के जो तीन लेयर हैं उसमें ही ये सारी डिवाइसेस काम करती हैं, ठीक है। अब इन डिवाइसेस के बारे में बात की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।